हैदराबाद की टीम ने एक और मैच यहाँ पे जीत लिया है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल लग रहा है उनकी टीम में इस सीज़न। और जिस तरीके से पैट कमिंस की कप्तानी देखने को मिल रही है हमें, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे मैनेज किया है। और पिछला सीज़न जो है काफ़ी बुरा गया था एसआरएच का, और इस सीज़न आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जो है, मतलब कि उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज कर ली है आज भी। और सीज़न दर सीज़न आप बोल सकते हैं कि जो सीज़न अभी तक चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छी विक्ट्रीज उन्होंने निकाली बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। और आज का मुकाबला काफ़ी अच्छा जीता है, यहाँ पे 165 रन भी बनाने दिए यहाँ पे चेन्नई को, और इजीली आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं चेस कर लिया था। हालांकि एंड में आकर के थोड़ा बहुत डीप गया मैच, रन ऑफ बॉल का हो गया था यहाँ पे सिचुएशन, बट आप बोल सकते हैं कि जो एसआरएच ने जो गेम दिखाया गेम प्लान के साथ जिस तरीके से वो आए थे काफ़ी कामयाब रहे उसमें। आप बोल सकते हैं कि जो चेन्नई की जो टीम है कहीं ना कहीं जो एक बड़ा लक्ष्य बनाने में असफल रही उनकी टीम। और हालांकि रहाणे ने काफ़ी अच्छा खेला, रहाणे ने ठीक खेला यहाँ पे। और जडेजा का आप बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म कर सकते हैं उनका, कि जिस तरीके से उनको हिटिंग एबिलिटी रखा गया है फिनिशर के तौर पे, वो उन्होंने आज नहीं करके दिया है। ऑल्दो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला हमें। शिवम दुबे ने अगेन एक अच्छी नॉक खेली यहाँ पे, अच्छे 45 रन बनाए उन्होंने यहाँ पे, बट वही था कि चेन्नई के पास में इतना स्कोर था ही नहीं कि वो यहाँ पे ज़्यादा डिफेंड कर सके। और अगेन आप बोल सकते हैं कि जो ट्रेविस हेड है, माकरम है या अभिषेक शर्मा है, उन्होंने ही यहाँ पे जो इन तीनों प्लेयर्स ने ही जो है मैच यहाँ पे खत्म कर दिया। और काफ़ी एक अच्छी इनिंग खेली आज अगेन अभिषेक शर्मा ने, और काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो वो अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है उनकी साइड से हमें। और काफ़ी अच्छा मुकाबला, तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हम इसको क्योंकि अगेन उतना ज़्यादा अच्छा मुकाबला हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कल एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला हमें जो पंजाब का और जो गुजरात का मैच था, वो तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था नहीं इस मैच के अंदर। ऑल्दो आपको मालूम ही था कि एच आर एस मुकाबला जीती क्योंकि रन काफ़ी कम थे चेन्नई के पास में। और हालांकि उन्होंने पहले बॉलिंग सीधी भी करी, बट वही था कि टारगेट कम था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसका असर हमको देखने को मिला। और जो हैदराबाद की टीम है उन्होंने काफ़ी इजीली जो है टारगेट को यहाँ पे चेस किया, और एक अच्छी उन्होंने का बोल सकते हैं कि तीनों ही प्लेयर के उनको साथ में देखने को मिली हमें। और हैदराबाद की टीम में काफ़ी अच्छा एक प्रोस्पेक्ट लग रहा है, और शायद से टाइटल अगर चाहे मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे चेस कर रही है उनकी टीम, तो अभी टाइटल के लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि फेवरेट्स हो सकती हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैचेस जीते यहाँ पे, और अगर अवे ग्राउंड में या फिर अवे अवे गेम में वो यहाँ पे जीतते हैं मैचेस, तो उनके लिए काफ़ी मतलब कि एक अच्छा रहेगा और टाइटल शायद से जीत सकती है टीम। बस ये है कि उनकी थोड़ी जो बॉलिंग जो है उनकी वीकनेस थी, हालांकि आज काफ़ी अच्छी बॉलिंग उनकी तरफ से देखने को मिली हमें, और अगर वो ज़्यादा और अच्छी होगी तो यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास जो आप बोल सकते हैं कप्तान है पैट कमिंस है, और इंडिया को उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड कप में हराया, WTC में उन्होंने जितवाया अपनी टीम को, और फाइनल में भी जितवाया यहाँ पे 50 ओवर में, और काफ़ी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं वो भी, काफ़ी अच्छे कप्तान है वो भी, तो हो सकता है कि शायद से यहाँ पे टाइटल के लिए जाए सरेज भी। और अभी तक तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा उनकी टीम से। गुजरात वाला मुकाबला हालांकि वो लोग हारे थे, बट वो एक वन ऑफ दी सिचुएशन में बोल सकते हैं इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एक चीज़ें थी यहाँ पे। और आगे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैचेस होते हैं, किस तरीके से जो भी आगे जो मैचेस होंगे उस बात करने की कोशिश करेंगे हम। कल दो मैचेस, दोनों मैचेस बात करने की कोशिश करेंगे हम। इस मैच को लेकर के आपका जो भी कमेंट हो, जो भी इस वीडियो को लेकर कमेंट हो बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।